फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। चलिए आज पहले देख लेते हैं आज मार्केट ने क्या किया। ये कुछ मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड शेयर किए थे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक मिनट, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सुबह जो है हमने एक सी का कॉल दिया था। यहाँ पर अगर देखेंगे 21,800 का, सॉरी पी दिया था, 108 से लेके 110 के रेंज में मैंने बाइंग को दिया था एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, जिसने लगभग हाई अगर देखेंगे तो 26 पॉइंट हमें दिखाया उसने। उसके बाद प्योर शॉर्ट कॉल था ये वाला, 38 पॉइंट दिए थे उसने, सॉरी। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमने सेकंड वाला जो ट्रेड था 21,550 का सी मैंने दिया था 100 रुपये पे, वो भी श्योर शॉट कॉल था, एकदम बढ़िया गया है वो। उसमें भी हमें लगभग अगर देखेंगे तो 32 पॉइंट्स थे, 100 से लेके 132 रुपये गया था। और ज़ीरो हीरो जो ये जो ट्रेड दिया था मैंने, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर गया है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न हमें देखने को मिला है, जो कि 21,650 का पी मैंने दिया था 10 रुपये को, SL 0 था उसका, 1:50 लगभग यहाँ पे मैंने दिया था। और उसने अगर आप देखेंगे तो हाई 7x हो गया था, 10 रुपये से लेके 67 रुपीज़ इसने हाई लगाया। तो ये हमारे कुछ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड थे आज जो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दिया था। तो आप भी अगर चैनल पे नए हो तो इस टेलीग्राम चैनल को चैनल से जुड़ सकते हो। ये वाला जो राइट हैंड कॉर्नर में जो आपको QR कोड दिख रहा है, इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, ऐसे ज़बरदस्त ट्रेड्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए पाने के लिए। तो ये वाला जो है मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर कुछ स्विंग ट्रेड्स, कुछ इंट्राडे के ट्रेड्स, इंट्राडे के लिए स्टॉक्स देते हैं, कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी जो है इसका एनालिसिस वीडियो डेली हम अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो हमने कुछ स्विंग ट्रेड्स भी दिए हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए दिए हुए हैं, और कुछ एनालिसिस वीडियो जो है जो मल्टीबैगर स्टॉक्स आने वाले टाइम में बन सकते हैं उनके भी एनालिसिस वीडियो हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो इस चैनल पर। टाइडन हमने जो दिया था उसने हमें लगभग 4 दिन में 30% का रिटर्न दिया हुआ है, तो इसका भी एनालिसिस वीडियो आप देख सकते हो, डिटेल एनालिसिस वीडियो मैंने यहाँ पे बना के डाला हुआ है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। तो चलिए कल के लिए मार्केट क्या कर सकता है और आज मार्केट ने क्या मोमेंटम किया आज देख लेते हैं एनालिसिस। तो ये वाले जो लेवल है मैंने कल ही प्रोवाइड किए थे, कल के एनालिसिस वीडियो जो है डेली एनालिसिस वीडियो, उसमें मैंने ये प्रोवाइड किया था कि अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो इस हाई के ऊपर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो मार्केट ने आज सीधा ही गैप अप ओपनिंग दे दिया, तो ये वाला जो था हमारा फाइनल टारगेट था, यहाँ पे थर्ड टारगेट था, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे ऊपर निकलने की कोशिश करे तो ये गैप अप होने के बाद में ये मोमेंटम जो था ये वाला मोमेंट हमारे हाथ से जा चुका था। तो यहाँ पर मैंने एक पी का ट्रेड दिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट हमने कैप्चर किया है। उसके बाद में ये वाला जो फॉल आया था ये वाला हमने कैप्चर किया है परफेक्ट, ये पूरा का पूरा ट्रेंड जो है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, टॉप से लेके बॉटम तक हमने जो ज़ीरो ईरो ट्रेड दिया था इसमें हमने ये कैप्चर कर लिया। तो अगर देखेंगे तो कल के लिए जो है मार्केट के पास ये वाला जो है ये मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है, ये वाला जो लेवल है ये वाला देखिए आप, ये वाला जो एक मिनट में 1 2 3 अभी ये चौथी बार अगर टेस्ट होता है तो मैं इसे एक बार डिलीट कर देता हूँ तो दिखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे अगर कल मार्केट जो है
ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो ये वाला जो हाई है, ये वाला ये स्विंग है 221,682 का, ये वाला जो हाई है इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, कुछ देर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट जिसका होगा 21,726, ये जो आज का डे हाई है ये वाला। और उसके ऊपर ऊपर अगर मार्केट निकलने की कोशिश करता है, तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा, तो सेकंड टारगेट होगा 21,763 का। मैं यहाँ पे प्राइस लेबल लगा देता हूँ एक बार, ये वाला हमारा टारगेट होने वाला है कल के लिए, ये अपर साइड के लिए टारगेट होंगे हमारे, जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, जो मैंने ये वाला मार्क कर देता हूँ 21,680 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो आप फर्स्ट टारगेट जो है 21,727 का पकड़ के चलेंगे, और सेकंड जो टारगेट होगा 21,764 का हमारा सेकंड टारगेट होगा, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, ऊपर निकलेगा, तो मैं लाइव मार्केट में वो अपर के ऊपर साइड की जो लेवल है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, तो जो डाउन साइड का जो हमें पुट साइड की अगर पोजीशन लेनी है, तो 600 के नीचे ही आपका शॉर्ट बनेगा पी साइड के लिए, और जो लेके जाएगा आपको 21,572, ये हमारा यहाँ से अगर निकलेगा तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर नीचे की साइड में हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये वाला जो है हमारा सेकंड टारगेट हुआ होगा 21,448 या 50 आप पकड़ के चलिए, और थर्ड टारगेट जो है 21,400 हमारा, ये थर्ड टारगेट होने वाला है कल के लिए, अगर मार्केट नीचे की साइड अगर निकलता है तो। तो ये जो चैनल मार्केट ये जो चैनल है, तो ये चैनल तक एक बार टच कर सकता है, तो ये जो लेवल है 450 का जो लेवल है, ये वाला है एक बार टेस्ट हो सकता है कल के लिए। ये था निफ्टी का एनालिसिस। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने मिला है, ये बहुत ही दोनों इंडाइसिस जो है ये काफ़ी ख़तरनाक वाले कैंडल, एक ही कैंडल बना रहे हैं, एक बाइंग साइड की या फिर सेलिंग साइड के लिए। अगर निफ्टी में भी देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल है, ये काफ़ी बड़ा वाला कैंडल है एक ही, ये अगर 5 मिनट में देखेंगे, ये वाले दो कैंडल जो बने हैं बहुत ही ख़तरनाक तरीके से ये कैंडल बने हैं, 21,666 से लेके 21,593, मतलब ये लगभग 100 पॉइंट का कैंडल है एक ही, 5 से 4 10 से, हाँ 100 से 90 से लेके 100 पॉइंट का एक ही कैंडल है निफ्टी में। और ये बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे आप, ये भी दो कैंडल बना हुआ है, जो 47,500 से लेके 47,260, ये भी मतलब ये वोलाटाइल कैंडल है, बहुत ही खतरनाक कैंडल बन रहा है आजकल मार्केट में। तो अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है इसी रीजन में, ये जो कि है 47,500 के रीजन में अगर ओपन होता है और ऊपर निकलने की कोशिश करेगा मार्केट, तो ये वाला जो हाई है, तब तक हम यहाँ से ऊपर ही ट्रेड लेंगे लॉन्ग के, जो कि है 47,583 का जो लेवल है, इसके ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे। और ये जो कल मैंने एनालिसिस वीडियो में जो लेवल्स मार्क किए हैं, वो अभी तक वैलिड है, तो ऊपर की साइड में 47,818 का जो है हमारा होने वाला है फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 48,000 जो है ये हमारा फर्स्ट फाइनल टारगेट होने वाला है बैंक निफ्टी में, अगर मार्केट बुलिश हमें पैटर्न अगर कुछ मिलता है या बुलिश साइड में अगर मार्केट निकलता है तो। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन की सिचुएशन में 200 ये जो डे लो है आज का 47,230, इसके नीचे हम पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 47,135 का, सेकंड टारगेट जो है ये वाला डे लो होगा जो कि है 46,987 का, और थर्ड टारगेट जो है 46,761 का, ये हमारे टारगेट होने वाले बैंक निफ्टी के लिए। तो ये था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।